नमस्कार, आज के वीडियो में बात करेंगे एम्फाइसिमा के बारे में। एम्फाइसिमा एक ऐसी समस्या या फिर एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसे हम श्वसन तंत्र भी कहते हैं, उसे प्रभावित करने यानी कि उसे इफेक्ट करने का काम करती है। तो आइए आज हम समझते हैं कि एम्फाइसिमा आखिर होता क्या है, इसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं और हम किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एम्फाइसिमा के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि एम्फाइसिमा एक ऐसी समस्या है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र है या जिसे हम सांस लेने की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, उसे इफेक्ट करती है। अब हम सांस कहाँ से लेते हैं? सांस हम लेते हैं लंग्स की मदद से, लंग्स यानी कि फेफड़ों की मदद से। आप सभी को पता है हमारे जो फेफड़े हैं वो हमें हेल्प करते हैं सांस लेने में। सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब ऐसे करके हम सांस खींचते हैं तो ऐसे में हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और जब सांस को छोड़ते हैं बाहर तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो एम्फाइसिमा में कुछ ऐसा हो जाता है कि लंग्स हमारे कुछ इफेक्टिव हो जाते हैं या फिर लंग्स में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिस वजह से ये जो प्रक्रिया है सांस लेने और छोड़ने की, ये बाधित हो जाती है, या यूं कहें कि ये कमज़ोर पड़ जाती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन लेने की जो हमारी कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, हम ठीक ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सांस लेने की प्रक्रिया से जुड़ी समस्या है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया आखिर हमारे लंग्स में या हमारे फेफड़ों में किस तरह से होती है। आइए समझते हैं। देखिए, जो आपको आकृति यहाँ पे दिख रही है, ये बेसिकली हमारे लंग्स हैं, यानी कि हम सभी के अंदर ऐसे लंग्स उपस्थित होते हैं जिन्हें हम फेफड़े भी कहते हैं। ठीक है, इनके अगर आकृति के बारे में बात करें तो ये दाएं तरफ की आकृति है और ये बाएं तरफ की आकृति है। दाहिने तरफ की आकृति आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी और बाएं तरफ की आकृति आपको थोड़ी सी छोटी लग रही होगी। बेसिकली यहाँ पे आपको एक गड्ढे जैसी आकृति दिख रही होगी, वो इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बाएं की तरफ, यानी देखिए हमारे जो हार्ट होता है या जो हमारा दिल होता है, जिसे हम हृदय भी बोलते हैं, वो हमारे यहाँ बीच में सेंटर में उपस्थित होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बाईं की तरफ उपस्थित होता है। ठीक है, अब जो हृदय है या जो हार्ट है वो हल्का सा बाईं तरफ होने की वजह से यहां पे लंग में थोड़ा सा एक गड्ढे जैसी आकृति आ जाती है। इस वजह से इसको कह सकते हैं कि इसकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी छोटी होती है। अब हम इसके पूरे फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में, तो सांस लेने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो जो पहली आकृति होती है वो होती है हमारी नाक। ठीक है, हम अपने नाक से ही सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो पहली जो आकृति होती है वो होती है नाक। उसके बाद अंदर एक आकृति आती है, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है, लेकिन आप यहाँ पर ओरली समझ लीजिए कि नाक, जैसे ही नाक खत्म, मतलब नाक के बाद जो अंदर की आकृति होती है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। उसके बाद आती है फेरिंग्स, उसके बाद आती है लैरिंग्स, और उसके बाद ये जो पाइप जैसी आकृति आपको दिख रही है वो आती है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया बेसिकली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रैकिया। इसके ऊपर आपको एक रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तिरछा। बेसिकली ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज यानी कि सॉफ्ट बोन का स्ट्रक्चर होता है। वो एक्चुअली में होता क्या है कि जो पाइप है ये दब ना जाए, किसी वजह से पिचक ना जाए, कोई प्रेशर ना इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, ताकि इसके अंदर कोई ब्लॉक ना आए, इसी वजह से इसके ऊपर रिंग्स लगी हुई होती हैं। आपने वॉश बेसिन की पाइप देखी है? वॉश बेसिन की जो पाइप होती है, बेसिकली जो नीचे लगी हुई होती है, उसमें हमने देखा होगा रिंग बनी होती है। रिंग वो इसी वजह से होती है ताकि वो किसी वजह से पिचके नहीं। अगर वो पिचक जाएगी तो उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी, या उसके अंदर जो फ्लो है वो ठीक ढंग से मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, सॉफ्ट बोन के या फिर कार्टिलेज के, ताकि ये प्रोटेक्ट रहे और इसके अंदर कोई ब्लॉकेज ना आने पाए, ताकि इसका जो फ्लो है एयर का वो ठीक ढंग से बना रहे। ठीक, अब आते हैं, जैसे ही ट्रैकिया आगे बढ़ता है तो ये दो ब्रांचेज में बंट जाता है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है, या फिर ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब जो ब्रोंकियोल्स हैं बेसिकली दो ब्रांचेज में बट गए, यानी कि एक राइट में आ गया और एक लेफ्ट लंग के अंदर, यानी कि लेफ्ट फेफड़े के अंदर या बाएं फेफड़े के अंदर आ जाता है। अगर हम एक फेफड़े, किसी एक फेफड़े के बारे में बात कर ले, देखिए जैसे ही ब्रोंकियोल आगे बढ़ता है ये कई सारे ब्रांचेज में, अपने सब ब्रांचेज में ब्रेक हो जाता है, यानी कि सब ब्रांचेज में ये बट जाता है। ठीक है, प्राइमरी ब्रांचेज, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, फिर उसके बाद टर्शरी ब्रोंकियोल्स, फिर उसके बाद पतली पतली और कई सारी ब्रोंकियोल्स में बट जाता है। ऐसा बेसिकली दोनों में होता है, समझिए, ये राइट में और लेफ्ट में दोनों में सेम होता है। ठीक है, अब जैसे ही पतली पतली ब्रोंकियोल्स में बट जाएगा तो यहाँ पे आपको कुछ गुच्छे जैसी लाल रंग में आकृति दिख रही है, हालांकि ये लाल रंग की नहीं होती, मैंने बनाने का इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है,
देखिए यहाँ पे कुछ गुच्छे जैसे आकृति, आपने अंगूर का गुच्छा देखा, अंगूर खरीदा होगा आपने या खाया होगा, तो उसका गुच्छे जैसी जो आकृति होती है सेम उसी तरह की हर एक ब्रोंक्योल, पतले पतले ब्रोंक्योल के ऊपर ऐसी कुछ आकृति लगी होती है, इसी को बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्वोलाई। अब ये पूरे लंग में, हालांकि मैंने यहाँ तो थोड़ा ही बनाया है, लेकिन ये पूरे फेफड़े पे उपस्थित होता है, दोनों ही फेफड़े पे इसी तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं। ठीक, गोल गोल से इसमें छोटे छोटे अंगूर जैसे कुछ स्ट्रक्चर लगे होते हैं, उनको बेसिकली बोलते हैं हम एल्वोलर डक्ट। ठीक है, देखिए एल्वोलर डक्ट कुछ इस तरह, जैसे अंगूर होता है सेम उसी तरह का होता है, यानी कि जिस तरह से हम हमारा जो घड़ा होता है, घड़ा आपने देखा ना, घड़े की आकृति में ये होता है, इसको बोलते हैं एल्वोलर डक्ट। यही एल्वोलर डक्ट कई सारे मिलकर के एक जो गुच्छा बनाते हैं या जो ग्रुप बनाते हैं उसी को बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक, अभी जो एल्वोलाई है इसी के अंदर श्वसन क्रिया संपन्न होती है, या फिर जो श्वसन क्रिया हमारे अंदर होती है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो बेसिकली इसी के अंदर होता है। हम समझते हैं कि इसके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती कैसे है, समझिए। देखिए अभी जो एल्वोलाई है, ठीक है, एल्वोलाई में कई सारे एल्वोलर डक्ट होते हैं, हमें एक एल्वोलर डक्ट में बेसिकली हम समझते हैं, क्योंकि जो क्रिया होती है रिस्पिरेशन की बेसिकली वो एक एल्वोलर डक्ट के अंदर ही होती है। अब इसके अंदर बहुत सारे एल्वोलर डक्ट, मतलब मिलियन की संख्या में एल्वोलर डक्ट होते हैं, तो हर एक डक्ट के अंदर जो क्रिया होती है उसको हम एक डक्ट से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल लगी हुई होती हैं, एल्वोलाई पे कई सारी ब्लड वेसल गई हुई होती हैं जो हर एक डक्ट को कवर करने का प्रयास करते हैं, यानी कि हर एक एल्वोलर डक्ट के पास से एकदम सटी हुई एक ब्लड वेसल गुजरती है। अब चूंकि ब्लड वेसल है तो इसके अंदर ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, तो जो ब्लड, समझिए, जो ब्लड इस एल्वोलर डक्ट की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, एक भाई ब्लड जब कोई चीज फ्लो होगा तो वो एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ब्लड, मान लीजिए, या पानी उधर से आ रहा है, ठीक है, तो जब आ रहा है तो उसको आने की तरफ बोलेंगे, और जब मेरे पास से होकर के आगे जब बढ़ेगा तो उसको हम जाना बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी है, ये है एल्वोलर डक्ट, तो इधर से मान लीजिए ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जब इधर से ब्लड आएगा और इधर जाएगा तो यहीं पर होता है रिस्पिरेशन। ठीक, जब ब्लड आ रहा होता है तो अपने साथ में वो CO2 लेके आता है। ठीक है, क्या लेके आता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है जो हम सांस लेते हैं तो ऐसे में ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक, तो जो ब्लड आ रहा होता है इस एल्वोलर डक्ट के पास में तो अपने साथ में लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही वो ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इस एल्वोलर डक्ट के पास पहुँचता है, ये तुरंत ही इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। मैं दूसरी पेन ले लूँ। देखिए जैसे ही CO2 यहाँ पहुँचता है तो वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, और जब आगे बढ़ने लगता है खाली, देखिए बिना CO2 के जब ब्लड जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, तुरंत ही यहाँ से जो एल्वोलर डक्ट होता है वो कहता भैया रुको रुको, ब्लड जो लाए हैं उसको तो लेते जाओ। ठीक ना, तो यहाँ से तुरंत ही जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो इसके अंदर हो जाता है CO2। ठीक, ले के आया था ब्लड CO2, ठीक, ये ले आकर के एल्वोलर डक्ट को दे दिया और एल्वोलर डक्ट से ऑक्सीजन ले लिया और ये आगे बढ़ गया। ठीक, ऐसा ही हमारी जितनी भी एल्वोलाई हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर जितने भी एल्वोलर डक्ट्स हैं, मतलब मिलियंस की संख्या में जो एल्वोलर डक्ट्स हैं, उन सभी के अंदर यही प्रक्रिया चल रही होती है। बेसिकली इसी को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन। देखिए रिस्पिरेशन में एक और चीज़ हो रही होती है, जब ये CO2 इसके अंदर एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ऐसे में इसकी जो साइज है यानी कि एल्वोलर डक्ट की जो साइज है वो एक्सपैंड करती है, यानी कि बढ़ती है और सिकुड़ती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह के गुब्बारे जैसी आकृति होती है एल्वोलर डक्ट की। भाई जो हमारे लंग्स हैं या जो हमारे फेफड़े हैं वो एक तरह के गुब्बारे ही तो हैं। हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, आपने फील किया होगा, ऐसे आप सीने पर हाथ रखिए, चेस्ट पर हाथ रखिए, ऐसे सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये फूलता है, ये एक्सपैंड करता है। तो बेसिकली जो ये लंग्स फूलते हैं तो वो सिर्फ लंग्स नहीं होते, वो जो एल्वोलर डक्ट होता है उसकी साइज एक्सपैंड कर रही होती है। ये एक छोटे से गुब्बारे जैसी आकृति होती है जो फूलती है और पिचकती है। जब हम सांस लेते हैं यानी कि जब इसके अंदर एयर भरती है तो ऐसे कंडीशन में ये फूलता है, और जब इसके अंदर से हम सांस को निकालते हैं यानी कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये पिचक जाता है और सांस वरी बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अंदर श्वसन क्रिया यानी कि रिस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्सपैंड होना, यानी कि एक तरह से ये गुब्बारे जैसी आकृति होती है वो एक्सपैंड करती है यानी कि फूलती है और
पिचकती है। ठीक, अब हम समझते हैं कि एम्फाइसिमा आखिर होता क्या है। पहले हम समझते हैं एम्फाइसिमा होता क्या है, फिर हम समझेंगे इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि एम्फाइसिमा आखिर हो कहाँ जाता है या कैसे हमें हो जाता है या क्या कंडीशन बनती है। देखिए, मैंने बताया कि श्वसन क्रिया में ये जो एल्वोलर डक्ट है वो सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, यानी कि फूलता है और पिचकता है, फूलता है और पिचकता है। इसी के थ्रू हमारे अंदर श्वसन की क्रिया चल रही होती है। अब कुछ लेयर यहाँ पे जमा होने की वजह से या किसी वजह से जब इसकी जो इलास्टिसिटी की पावर है, जो इलास्टिसिटी की जो क्षमता है, यानी कि फैलने की जो क्षमता है, वो जब इस एल्वोलर डक्ट की कमज़ोर पड़ जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, बेसिकली इसी समस्या को हम क्या बोलते हैं, एम्फाइसिमा बोलते हैं। ठीक है, एम्फाइसिमा आपको समझ में आया। एम्फाइसिमा का मतलब यह हुआ कि जो एल्वोलर डक्ट है हमारे, उनके अंदर एक्सपैंड होने की और सिकुड़ने की, ठीक है, एक्सपैंड यानी कि फैलने की या फूलने की और सिकुड़ने की पावर खत्म हो जाए इस एल्वोलर डक्ट की, उसी को बोलते हैं एम्फाइसिमा की समस्या। ठीक है, एक साधारण से एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं कि गुब्बारा ले लीजिए, ठीक है, उसको आप फुला दीजिए। ठीक, अब जब आप फुला देंगे उसके ऊपर फिर टेप लगा दीजिए, बढ़िया से अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग टाइप का टेप लगा दीजिए। अब जब आप टेप लगाएंगे फिर इसके बाद उसकी हवा को निकाल दीजिए। ठीक, अब जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो गुब्बारा है वो पूरी तरह से सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, पहले क्या होता था, जब आपने कोई टेप नहीं लगाया था तो जैसे गुब्बारे को फुलाइए वो इतना बड़ा हो गया, पिचकाया तो वो छोटा सा हो गया, एकदम पिद्दी सा हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप उसके ऊपर टेप, जब फुला करके उसके ऊपर टेप लगा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो जो गुब्बारा होता है, जब उसकी हवा पूरी भी निकल जाती है तब भी वो पूरी तरह से पिचक नहीं पाता है। तो ऐसा ही एम्फाइसिमा के अंदर भी होता है कि एम्फाइसिमा में जो एल्वोलर डक्ट हैं वो पूरी तरह से पिचक नहीं पाते, और इस वजह से जो इसके अंदर पहले से कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, जो इस ब्लड वेसल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आई है, वो बाहर ना तो निकल पाती है और ना ही इसके अंदर ऑक्सीजन, नई जो ऑक्सीजन आपने सांस के रूप में ली है, वो अंदर ना तो आ पाती है। ठीक, अब हम समझते हैं इसके कारण के बारे में कि इसके कारण क्या होते हैं या किस वजह से ये हमें हो जाती है। देखिए, इसके कारण की अगर मैं बात करूं तो इसके कारण के रूप में कई सारी चीज़ें हैं। पहला होता है स्मोकिंग, ठीक है, पहला होता है स्मोकिंग। ठीक, दूसरा होता है डस्ट पार्टिकल, नहीं मैं यहाँ लिख दूँ, दूसरा होता है बेसिकली डस्ट पार्टिकल। ठीक है, और तीसरे के रूप में हम कह सकते हैं अल्फा वन एंटी, ठीक है, ट्रिप्सिन। ठीक, इसको बोलते हैं अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन। ये एक तरह की प्रोटीन होती है बेसिकली, ठीक है, ये एक तरह की प्रोटीन होती है। ठीक, ये हमारे अंदर इसकी कमी हो जाती है, मैं बताऊंगा कि इसके अंदर जो कमी हो जाती है उस वजह से। चलिए देखिए, अब ये होती है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन, इसके बारे में भी हम समझेंगे। पहले हम बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में। आपको पता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है सांस लेना और सांस को बाहर छोड़ना। ऐसे में जब हम स्मोकिंग करते हैं, यानी कि कोई भी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो गांजा हो और बहुत सारी चीज़ें जो हम पीने के रूप में लेते हैं, जो धूम्रपान के रूप में लेते हैं, ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जब वो अंदर एंटर करेगा तो हमारे एल्वुलाई में आएगा, एल्वुलाई में आएगा, उसके बाद वो हमारे एल्वुलर डक्ट में आएगा। एल्वुलर डक्ट में जब वो ऐसी कोई खतरनाक चीज, यानी कि जो हमारे अंदर निकोटिनिक कोई स्मोक आएगा जिसके अंदर निकोटीन उपस्थित हो, बेसिकली जो स्मोक होता है, जो स्मोकिंग जो हम करते हैं, जो सिगरेट होते हैं, बीड़ी होते हैं, ऐसे में हमारे अंदर निकोटीन, इन सभी के अंदर निकोटीन उपस्थित होता है। निकोटीन वो हमारे अंदर आएगा, यानी कि हमारे एल्वुलर डक्ट के अंदर आएगा। अब जब निकोटीन हमारे एल्वुलर डक्ट के ऊपर आएगा तो ऐसे में इनके ऊपर एक लेयर बना लेगा, ठीक है, इनके ऊपर क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा, और लेयर बनाने की वजह से इनकी जो इलास्टिसिटी की पावर है, यानी कि जो एल्वोलर डक्ट हैं उनकी जो इलास्टिसिटी की पावर है, यानी कि जो एक्सपैंड करने की और सिकुड़ने की जो क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देगा। जैसे मैंने बताया कि एक टेप लगा दीजिए गुब्बारे पे, तो यहाँ पे वो टेप की जैसी ही काम करता है और इसकी जो पावर होती है, जो सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, उसको कमज़ोर कर देता है, जिस वजह से इसका जो होल है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि जो इसका होल है या जो स्पेस है जिससे हवा बाहर और अंदर आ पाती है, वो और ज़्यादा फैल जाता है। ठीक, एक कंडीशन
तो ये बनती है स्मोकिंग की। ठीक, अब बात आती है डस्ट के बारे में, हम समझ लेते हैं। अगर हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है या बहुत ज़्यादा ऐसे कोई आर्सेनिक स्मोक निकल रहे होते हैं, जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं या जहाँ पे ईंट भट्ठे होते हैं, वहाँ जो धुआं निकलता है वो पूरी तरह से पोल्यूटेड होता है। उसके अंदर कुछ हार्मफुल गैसेज होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो अगर हमारी एल्वोलर डक्ट के अंदर आएंगे तो वहाँ पे एक लेयर बना लेंगे। लेयर बनाने की वजह से इसकी जो क्षमता है, मैंने बताया इलास्टिसिटी की जो पावर है, उसको कहीं ना कहीं कम कर देंगे, जिस वजह से इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और इसका जो होल है वो चौड़ा हो जाएगा, वो पूरी तरह से एक्सपैंड की कंडीशन। यानी कि देखिए एक गुब्बारा है, ठीक है, मान लीजिए गुब्बारा है छोटा सा, अब इसको जब फुलाए तो ये इतना बड़ा सा हो गया। ठीक, ऐसे में अगर इसके अंदर कोई लेयर लगा दी जाए रिजिड सी, जो बहुत हार्ड हो, तो ये गुब्बारा पिचक नहीं पाएगा। जब पिचक नहीं पाएगा तो इसके अंदर एयर जो भरी है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएगी, और साथ ही साथ जो इसका होल है बेसिकली वो भी छोटा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये एल्वोलर डक्ट जो होते हैं उनके अंदर भी ऐसा होता है कि जब इसके अंदर कोई लेयर बन जाती है, उसके हार्ड कर देती है एल्वोलर डक्ट को, ऐसे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन जिसको अंदर आना चाहिए था वो अंदर नहीं हो आ पाती है, या यूँ कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी तरह अरेस्टेड कंडीशन में आ जाती है। तो ऐसा ये डस्ट पार्ट के लिए, आर्सेनिक स्मोक जो होते हैं, जब फैक्ट्री से स्मोक निकल रहे होते हैं ऐसी चीज़ों से भी, या जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो धूल उड़ रही होती है, धूल भी अगर इसके अंदर जाती है तो इसके अंदर इलास्टिसिटी की क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से डस्ट भी हमें नुकसान पहुँचाते हैं। अब आती है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन के बारे में। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन बेसिकली हमारे जो एल्वुलर डक्ट होते हैं उनको, उनकी जो इलास्टिसिटी की क्षमता है जैसा कि मैंने आपको बताया, या उसे बनाए रखने का काम करते हैं। ये जो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन है वो लीवर सिक्रीट करता है और ये ब्लड में फ्लो हो रहे होते हैं। जो ब्लड है इसके अंदर फ्लो हो रहे होते हैं। उनका एक और काम होता है कि ये जो WBCs होते हैं, WBCs को भी कैरी करने का काम करते हैं और हमें किसी इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में जब ये अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन कम हो जाएगी तो ऐसे में ये जो इलास्टिसिटी की क्षमता है वो कहीं ना कहीं हमारे एल्वोलर डक्ट की कम हो जाएगी, जिस वजह से जो ये एल्वोलर डक्ट है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे और इनके अंदर जो पहले से एयर मौजूद है या जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अब चूंकि बाहर नहीं निकल पाएगा तो अंदर कोई दूसरी एयर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जिस वजह से एम्फाइसिमा की कंडीशन हमारे अंदर बन जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने बताया कि चूंकि इसके अंदर एयर अरेस्ट हो जाती है या फिर इसके अंदर एयर रुकी रह जाती है, या यूँ कह लें कि जो ये एक्सपेंडेशन की कंडीशन है वो एल्वोलर डक्ट की बनी रहती है, इस वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो फूले रहेंगे। ठीक है, ये जो हमारे लंग्स हैं वो फूल जाएंगे, इनके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, तो चेस्ट हमेशा हमारा फूला फूला सा रहेगा। अब चूंकि ये फूला फूला सा रहेगा तो ऐसे में जो हम सांस लेंगे तो सांस पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम शॉर्ट ब्रीथ कर पाएंगे, यानी कि हम छोटी लंबी सांस नहीं ले पाएंगे, हम छोटी सांस ही ले पाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कि आपको ये बाहर से ही फील होगा कि हाँ हमारी जो चेस्ट है वो स्वेलप हैं या फूले फूले से हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर एम्फाइसिमा की कंडीशन बन जाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि एम्फाइसिमा जो होता है वो एक तरह की क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है या फिर क्रॉनिक बीमारी होती है, ये लंबे समय में होती है, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में हो गई आपको। जब स्टार्टिंग हो रही होगी, जो आप स्मोकिंग कर रहे होंगे या फिर डस्ट वाली जगह पर रह रहे होंगे जहाँ पे बेसिकली डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हवा में हैं, या फिर आपके अंदर अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी होती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो एम्फाइसिमा की कंडीशन है वो धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी। अब जब धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपको एम्फाइसिमा की कंडीशन आपके शरीर में बन रही है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं, हमारे जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में ये जो लंग्स हैं वो भी कमज़ोर होने लगेंगे। अब जब ये कमज़ोर होने लगेंगे तो ये एल्वोलर डक्ट जो हैं इनके ऊपर एम्फाइसिमा की जो कंडीशन है, जो इफेक्ट है एम्फाइसिमा का, वो ज़्यादा इस पर दिखाई देने लगेगा। तो जैसे ही हम 40 प्लस होते हैं या फिर 60 के लगभग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर एम्फाइसिमा के
पूरी तरह से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो यानी कि ये हुआ कि स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने पाएगा कि आपको एम्फाइसिमा की कंडीशन आपकी स्मोकिंग से या फिर आपके डस्ट से या फिर ऐसे किसी प्रोटीन से आपके अंदर बन रही है। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको एम्फाइसिमा की कंडीशन बनती जाएगी। तो ये तो हो गया आपके सिम्टम्स के तौर पे कि हम सिम्टम्स के तौर पे कैसे पहचान सकते हैं। आपको शॉर्ट ब्रीथ होगा, आपका जो चेस्ट है वो हमेशा फूला फूला सा रहेगा, आपको हल्का बहुत पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिम्टम्स। अब हम समझ लेते हैं कि इसके बचाव के तौर पे या फिर इससे बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका इलाज किस तरह से संभव है। बात करें अगर बचाव के लिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो समस्या है वो ज़्यादातर स्मोकिंग की वजह से होती है या आपके ऐसी जगहों पर रहने की वजह से होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो, यानी कि एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो या फिर एयर जो है वो पोल्यूटेड हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये समस्या होने की संभावना है। तो अगर इसके बचाव की बात करें तो हम जैसा कि मैंने बताया तो आपको स्मोकिंग इसके लिए बंद करना पड़ेगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ऐसा कोई भी धूम्रपान करते हैं, सिगरेट हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे आपका मैरिजुआना हो या गांजा हो जो भी आप बोलते हैं, और पाइप सिगार जो भी चीज़ें आप करते हैं, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता जो भी आप शौक लेते हैं, मतलब स्मोकिंग के तौर पे या धूम्रपान के तौर पे, तो उन सभी को छोड़ दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर निकोटीन होता है, निकोटीन आकर के एल्वोलर डक्ट में चला आता है और एल्वोलर डक्ट में एक लेयर बना लेता है जिसके वजह से जो एल्वोलर डक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे बचना है या आपको ऐसी समस्या हो गई है तो आप तुरंत ही स्मोकिंग छोड़ दें और फ्यूचर में कभी भी स्मोकिंग ना करें। दूसरी बात, अगर आप ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है एयर में, यानी कि डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है या फिर आर्सेनिक मिक्स है या फिर फैक्ट्रीज़ के धुएँ मिक्स हैं, तो ऐसी जगहों पर आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। आप कोई अच्छा मास्क ले लें जिसमें अंदर जो है जिसमें कई लेयर्स हों और जिससे अंदर आपके पोल्यूटेड एयर आपके नाक में ना जा पाए या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम इससे बचाव कर सकते हैं। अब बात इसके ट्रीटमेंट के बारे में, अगर ये हमें समस्या हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करें वो समझते हैं। देखिए, अगर हमें कोई ऐसी समस्या हो जाती है तो मैंने अभी आपको बताया कि एक तरह से क्रॉनिक डिसऑर्डर है, तो इसके सिम्टम्स हमें शुरू में नहीं पता चल पाते हैं। सिम्टम्स तब नज़र आएंगे जब आपकी एज बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जब आपके इस लंग्स में दिक्कत होने लगेगी, आपको सांस फूलने वाली समस्या, मतलब कि आप ज़्यादा लंबी सांस नहीं ले पाएंगे, है ना, छोटी छोटी सांस लेने, मतलब शॉर्ट ब्रीथ के जब समस्या दिखने लगेगी तब आपको सिम्टम्स इसके पता चल पाएंगे। ऐसे टाइम में जो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जब डॉक्टर से मिलेंगे, तो पहले तो आपका एक्सरे लेगा, यानी कि आपके लंग्स का एक्सरे लेगा और वो और कुछ चेकअप लिखेगा जिसके थ्रू वो पता कर पाएगा कि आपके जो ये लंग्स हैं या फिर जो फेफड़े हैं उनके अंदर ऐसी कोई समस्या है कि नहीं है, एल्वोलर डक्ट वाकई में डैमेज हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उसके हिसाब से वो इलाज करने का प्रयास करेगा या कुछ मेडिसिन देगा आपको जिससे इसका इलाज किया जा सकता है। देखिए, मैं इलाज के तौर पर बता दूं कि जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर देंगे वो जो एल्वोलर डक्ट में जो इन्फेक्शन फैल चुका है, या जो मैंने बताया कि एल्वोलर डक्ट बेसिकली इस तरह की होती है कुछ घड़े जैसी, तो इसके अंदर जो लेयर बन गई है निकोटीन की, उसको निकाला तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो एम्फाइसिमा की जो प्रोसेस चल रहा है, जो क्रॉनिक डिसऑर्डर या फिर जो क्रॉनिक डिजीज आपके अंदर हो गई है, वो जो जिस तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, उस तेज़ी को कम किया जा सकता है, यानी कि एम्फाइसिमा की स्पीड को कम किया जा सकता है इन मेडिसिन्स के थ्रू, ठीक है। जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं वो एम्फाइसिमा की स्पीड को कम कर देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन आपके लंग्स में हो रहा है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाए, यानी कि स्लो डाउन हो जाए उसकी स्पीड, ताकि आपको धीरे धीरे ये समस्या होगी। देखिए, इसके इलाज के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर से निकोटीन निकाल सकते हैं या आपके जो एल्वोलर डक्ट डैमेज हो चुके हैं उनको हम सुधार देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं कुछ डेवलप हो पाया है कि आपके एल्वोलर डक्ट को दोबारा से सुधारा जा सके, लेकिन ये है कि आपके जो एल्वोलर डक्ट में इन्फेक्शन फैल रहा है उसे हम स्लो डाउन कर सकते हैं, इसकी स्पीड कम कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी लाइफ है उस टाइम में आपको ज़्यादा दिक्कत ना करे और धीरे धीरे आपको इसकी जब आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आपको मेडिसिन जो है थोड़ा अच्छे से आपकी रिकवरी करने लगेंगे, यानी कि जो इसकी स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देंगे, तो आपको ईजी फील होगा, आप आराम से सांस ले पाएंगे और इस तरह से आप ठीक महसूस कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि एम्फाइसिमा के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके, लोग जागरूक हो सकें इस समस्या के बारे में। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।